आदाब नमस्ते सत श्री अकाल और कैसा है आपका हाल। मैं तो हूँ जावेद जाफरी और ये लोग सब हैं फ्री फ्री यानी कि मुक्त अपने अपने भेजों से। अब ये सवाल उठता है कि इन्होंने अपना भेजा कहाँ भेजा और किसको भेजा और क्यों भेजा और कैसे भेजा और कब भेजा और ये भेजे को भेजा क्यों कहते हैं, मतलब कहाँ चला गया। इनका तो चला गया, कहाँ गया मुझे पता नहीं, और मैं क्या बकबक कर रहा हूँ वो भी मुझे पता नहीं, और ये क्या कर रहे हैं ये भी हमको पता नहीं। एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं। आज इन सबके छक्के सत्ते अट्ठे छूटेंगे स्किपिंग स्टोन्स में। ये 9-2-11 होंगे लीप फ्रॉग में। 36 का आंकड़ा होगा नॉक नॉक में। और दिया बाचा होगा मशरूम ट्रिप में, यानी ये सबके बजेंगे 12 तकेशी कासल में। हसलो मुन्ना हसलो, क्योंकि आगे तुम्हें है रोना, टक्कर खा के सोना, मुंह का है काला होना, कीचड़ में कपड़े धोना, लेकिन शो डाउन में पहुंचने का चांस मत खोना। ना मुन्ना ना ईगे, लाल सफेद और पीले सूखे से होने गीले चल पड़े हैं स्लिपरी वॉल की तरफ। भाई दौड़ते हुए आइए, चिकनी दीवार पर चढ़िए, रस्सी पकड़ कर ऊपर आइए और दीवार के पार जाइए। ये देखिए सराहना है, रस्सी हाथ में ना आए तो इस तरह नीचे जाना है, कीचड़ लग जाए तो डुबकी लगाना है। ये आइडिया बुरा नहीं है भाई, वो अलग बात है कि नीचे वाले का कचूमर बन रहा है। इधर घुड़ो उधर धाम, इधर फिसलन उधर चुसलन, अरे क्या डाई मारी, कुछ आज कुछ फुर्तीले, कुछ सुबह नाश्ता अच्छा करके आया लगता है। ये देखिए एक केकड़ा दूसरे की केकड़े को नीचे खींच रहा है। ये कीचड़ में ऐसे क्यों गई, देखिए ये जो चंद्र विभूषण पांडे जी का जो आधुनिक कीचड़ है, ये दुनिया भर की इंटरनेशनल भैंसों के गोबरों को जमा करके एक सीक्रेट खुफिया फॉर्मूले से बनाया जाता है, जो गोबरचंद चिंग फंग सुई जो है इसे बनाते हैं अपनी चाइनीज लेबोरेटरी में और यहाँ लेके आते हैं। तो इस गोबर की बहुत खासियत है, कई लोग तो कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं इस गोबर में अपने चेहरे को पचकाएं, उसकी महक लें, उसका टेस्ट लें और घर लेके जाएं। बहुत चेहरे के लिए मुफीद होता है ये, त्वचा के लिए भी बहुत मुफीद होता है ये। देखिए पसलियाँ तोड़वाई इन्होंने और ये क्या कर रहा है पता नहीं, और ये क्या कर रही हैं ये तो पता है, और इनकी हड्डियां श्रिंक हो गई। सदा सुहागन रहो। और एक नजर डालते हैं जे जे के रापचिक रिप्ले में, यही है आंटी और देखें कैसे बजाती है अपनी पसलियों की घंटी, और अगर ये है बबली तो कहां है इनका बंटी, देखते शायद मिल जाए स्लिप डिस्क में। अल्लाह बोल, जनरल के हुक्म के साथ धुआं उठा, कभी ये धुआं कलरफुल हुआ करता मगर स्टॉक मार्केट के गिरने के बाद वो सफेद हो गया। खिलाड़ियों को अपने हेलमेट पर लगे रिंग्स को बजाते हुए दीवार के ऊपर पहुंचना है, मगर शाही गार्ड्स पहुंचने दे तब ना, रखड़ा हो जाता है ससुरा बड़का बड़का गनवा लेकर और उचुर बुचुर करके बचवा लोग का रिंग को भिगा देता है। देखिए किलो के हिसाब से आए हैं सारे ससुरा ढीठ लोग, ये देखिए आज्ञाकारी बबुआ का तरह अपना सर झुका के रिंगवा को बचा रहे। अरे का ये देखिए चड्डी पहन के फूल खिला, यहाँ पे तो फूल पहन के चड्डी खिली, और ये देखिए धार का वार हो रहा है मगर बेकार हो रहा है, कहाँ मार रहे हो ये का बारा गया है का है? मार चला जा रहा है अंधे की चुंदी में ये का, अरे क्या कर रहे हैं लाची गिरले जाना, देखे यही भी है, एक एक चन चन के मारूंगा चन चन, अरे मुंह में मक्खी आ गई यार। अब धुलाई के बाद पुताई स्क्वायर मेज में, जनरल बुलाएगा और चिड़िया अंदर जाएगा, अभी इसको अपना मुंह का ऊपर काला पुताई कराए बिना बाहर जाने का है, अरे किधर को जाता है बाबा फंस जाएगा, मैं बोला था ना तेरे को फसाना पुठ, पुताई करा लिया अपना, अरे मक्खी जा दादो सुटो लग रहा है तुम्हारा भतीजा, और ये आए पीलू खान, और पीलू खान देखते हैं ढीलू खान बनते हैं, और ये शिकंजी में आ गए गंजू के, कहाँ छोड़ेगा यार, बोल दिया मुकाला
और बड़े जोश में आया नंबर पांच। पांच को क्या लगेगी आंख में, रंगीले रामों की मनु शक्ल देकर पलटा भागा चूहे बिल्ली के खेत और गंजा शामू पीछे आया। लेकिन ये अच्छा दौड़ रहा है और ये दोनों भी कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कौन किसका फ्यूज उड़ाएगा ये पता चल जाएगा। और ये कर दिया शॉर्ट सर्किट दोनों का। मुझसे शादी करोगी जानी चमन? चलो हटो, तुम बड़े वो हो। वही तो हूँ, इंतजार करूंगा तुम्हारा, जल्दी आना। और ये जाने चमन सावधानी के साथ अंदर गयी। रंगीला और चमकीला सांड घात लगाए जाने चमन का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी सावधानी से आंटी आगे बढ़ रही हैं और ये रंगीला चिल्लाया और आंटी बड़ा दांग छाया बाहर आ गई। बचाओ बचाओ बचाओ। देखो मुन्नी, मैंने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया है, इन सांडों से बचाने का जिम्मा नहीं लिया है। गंजा शामू गुर्राया और जाने चमन को पसीना आया। जाओ मुन्नी जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ इसके बाद तुम्हारा जो भी हाल होगा मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं हूँ ना, जाओ। आंटी फिर से अंदर आई और गंजा शामू रंगीला रामू दरवाजे फटक फटक के डरा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। ये जाने चमन आई, गंजा शामू पकड़ने की कोशिश की और फुर्ती से बाहर निकल गई। इसकी तो शादी पक्की, क्या बात है जनरल ली, मुबारक हो। ये दूसरा फड़फड़ाता हुआ नमूना आया, अपनी बहादुरी का गाना गाया और बैंड बजवा ली अपनी, रंगीले रामू ने दबोच लिया और कहानी खत्म। सूरजमुखी बड़ी मुस्कुराती हुई जा रही हो। अंदर घुसते ही सर पे फटका, बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बहुत ही सस्पेंसफुल खेल, ये बची दूसरे दरवाजे से निकलेंगे। फिर अबे अबे सर पे फिर से फटका पड़ा, लाल चपंडू ने अटैक किया, सूरजमुखी भागी और ये फंस गई जाल में। और जेजे के रापची रिप्ले में देखिए, भागते भूत की लंगोटी सही, मगर यहाँ लंगोटी की चिंदी भी नहीं मिली। और चिंदी चोरों की अगली मंजिल अपहिल गार्डन। ये छिछोरे चूसती ने बुलाया और योद्धा दौड़ा चला आया। इनको ऊपर आते हुए खिलाड़ी के रिंग को फोड़ना है, मगर इनको अपना रिंग बचाना है। अबे ये तो बेंडे हाथी की तरह दौड़ा चलाया जा रहा है। अरे भैया ब्रेक फेल हो गया क्या? पैर चूसली का अगला हमला और इस बार आया है छह पैरों वाला सांप, बिना बीन के ही छिड़क रहा है। मुकाबला है शूटर से, क्या कॉन्फिडेंस है, वाह सॉलिड टक्कर है। अबे दौड़ा दिया सांप को, मगर सांप ने पलटी मारी और शूटर कन्या भागी। अब सांप पीछे पड़ गया और पड़ गया और जकड़ लिया कन्या को अपने शिकंजे में। यहाँ तो सीन ही उल्टा हो गया भैया, जकड़ लिया कुंडली में और अरे हम तो फिसलेंगे सनम, तुमको भी ले फिसलेंगे। पिस्तौल छोड़ो, रिंग का है, रिंग ही गुल हो गई। ले भाई, एक है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब जे कौन चक्र में है, अबे लोग मोटर में बैठते हैं, जे कमर पे लटका के घूम रही है और इसका मुकाबला जे छोकरा करेगा। जम के लड़ाई होगी दोनों में, ये मोटर वाला कहां को भाग गया, ओए चुरा के लाया क्या? अबे लुकिंग लंदन गोई टोक्यो, अबे कोई उसे रोकियो। अबे नालायक तेरी, कहां से आ जाते पहलवान गार्ड बच्चे। ले भैया मोटर ही पलट गई। अबे हलाल होने से पहले बकरे को जैसे उल्टा करे वैसे उल्टा हो गया, कुर्बानी देगा इसकी देखना। अब ये कौन है, अबे निंजा घुड़सवार। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा। अबे दुम पे हथौड़ा मारा था, टांग टूट गई है, क्या हो रहा है? खिलाड़ी हमला करने के लिए दौड़ा तो घोड़ा तीन टांग पर ही लपक लिया। वाह क्या भागा है लगड़ा घोड़ा, तबड़क 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 तबड़क, निंजा कोने में जाके कर ली इस निंजा। और कैप्टन चूस लिया अगले खिलाड़ी को, चूसने दौड़ पड़ा, अबे सीधे ही निकल लिया। ब्रेक मारकर पलटे और मारी कस के धार लड़की को, लड़की बची और पलट के वार किया, ये डटके घमासान जंग एक दूसरे की। लड़की का पलड़ा भारी लग रहा है और चूसली की रिंग फट गई, लेकिन चूसली ने पीछा नहीं छोड़ा और झाड़ियों के पीछे क्या हो रहा है, और चूसली ने हाथ से फाड़ दी रिंग। चीतर कॉक, ये क्या है, अगासु आसन, अब क्या करेगा।
और अब इस नाक कटाव हरकत के बाद राप्ची क्रीप ले देखते जरा एक भैया, औरतों से पंगा लेने वाला नहीं बचता, भले ही वो कोई अजगर सांप क्यों ना हो। खैर, अगला हम दिखाएंगे ब्रिज बॉल की फॉल, मशरूम ट्रिप की स्लिप और स्किपिंग स्टोन्स में टूटती बोन्स। मगर एक ब्रेक के बाद मैं मोट के आता हूँ, आप रिमोट को हाथ मत लगाइए। बम 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 बम, स्वागतम। और जनरल का इशारा, मरने आ रहा है कोई नया बेचारा स्किपिंग स्टोन्स में। अभी जनरल के पास 56 खिलाड़ी बचा है घोष बाबू, चला 1 2 3 घुस गया घोष बाबू, अभी 55 बचा है। नेक्स्ट कालू दादा आता है, जंप करके जाता है, फिर स्पिन करके जॉल खाता है। मिस्टर रेड एंड ब्लैक डिफरेंट रास्ता चुना है, अंजाम भी डिफरेंट होगा। जी हाँ, नई बत्ती सी बनाएंगे और ये घुटने पे प्लास्टर चढ़ाएंगे। चल रहा हीट है यार। अबे, 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 अरे मिस्टर रेड एंड व्हाइट दक थिना थिन, यहाँ से जा। नेक्स्ट पार्ट तुम्हें चला, लग रहे हैं कंफ्यूज और उड़ गया इनका फ्यूज। एडी और कोनी की बलि चढ़ा कर गए। नीले नवाब आए टहलते हुए, जॉगिंग करते हुए आगे बढ़े और हॉपिंग करते हुए पार निकल गए। ओहो आंटी ढीली, यह हो गई ढीली यारा, सीली सीली हाउ सीली। जे के रैप्चिक रिप्ले में ये कालूचंद पीलू प्रसाद आया पैर के बल और गया सर के बल, और अब हम जंप करके चल रहे हैं लीप फ्रॉग। वही ऊंचाई पर बने मगरमच्छ के दांत और जंगली भैंसे के सींग वाले प्लेटफॉर्म पर आइए, फिर स्लाइडिंग ट्रॉली पर फिसलते हुए नीचे आकर मेंढक की तरह उछलते हुए मेंढक लैंड पर लैंड कीजिए और जीत जाइए। अगला खिलाड़ी फिसलता हुआ आया, मारी मेंढक को लात, पांडे जी का शरबत पिया और गेम से बाहर। ये देखिए ऊपर से ही निशाना ताक लिया, फिसलते हुए आए और लैंड कर फिसलते हुए गए। अब गेम से भी फिसल गए। नेक्स्ट खिलाड़ी तैयार, ट्रॉली चढ़ी, ये मारी जंप और सीधे अपने अंकल के पास। ये कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। यस इट्स डिफरेंट, ये मुश्किल प्लेटफॉर्म पर लैंड किया है भाई। ओए जापान द पंजाब द पुत्र लगता है। और अब नजर जेजे के रैप्ची के रिप्ले में। ये साहब मेंढक से डर के उल्टी गुलाटी खा गए। अबे नकली मेंढक है भाई, मगर धुलाई असली है नॉक नॉक में। भैया एक काला कौवा स्किपिंग स्टोन्स में डूबा था और ये दूसरा आ गया, पहला दरवाजा फाड़ कर बाहर। अरे अम्मा बहुत जोर का लगा, घर को जाता है नहीं। अरे अन्न लंबा रन लेके आता है, सेकंड दरवाजा पाड़ा। अयो रावण है ये तो, बहुत मारण डिस्को रावण, दिल में मेरी है दर्द डिस्को। ये रावण को चौड़ा, तीसरा दरवाजा पौड़ा और चौथे पे कंध को तोड़ा। या जरा पीला चूजा अस्पताल जा। आ रहा हूँ मैं, अरे बच के रहना, ए धन्नो आ रहा हूँ मैं, कबीता जा रहा हूँ मैं। छिछोरे दरवाजे बनाती है कौन कारपेंटर। फिलहाल इनको कारपेंटर नहीं, एक सर्जन की जरूरत है। और जोशीला जवान गुलाटी मारी, कोने वाला दरवाजा पकड़ा, फिर कोने वाला दरवाजा पकड़ा और पार हुआ, रावण को देखा भी नहीं, तीसरा भी कोने वाला दरवाजा और चौथा कोना। अरे लेकिन यहाँ इनको पड़ा रोना, ये अब तो 3 बार इनको होगा धोना है। और अगले हैं ओड़चंद परिहार, पहला दरवाजा तोड़ा फोड़ा नहीं, दूसरा फोड़ा, रावण से तो झिझक भी नहीं हुई, आगे तीसरा फोड़ा और चौथे की तरफ ये और पार। जियो मेरे यार। और जे जे के रैप्ची रिप्ले में देखिए मेंढे की छलांग, भिट्टी मार, ये मारने आए थे भिट्टी और गुल हो गई इनकी सिट्टी। और अब हम फिसलने चलते हैं मशरूम ट्रिप पर। इस गेम का मकसद है मशरूम से चिपके रहना, तालाब पार करना, अपना संतुलन बनाए रखना। नहीं इस तरह बिल्कुल नहीं, ये देखिए स्लो मोशन में तो घूमता है आदमी को भी घुमा कर देते। इस लेडी ने मशरूम को पकड़ने के लिए रस्सी का सहारा लिया है, पर क्या ये मशरूम के झटकों का सामना कर पाएंगी। नहीं ये नहा धोकर घर जाएंगे।
अगला चिपकू मशरूम से चिपक गया और मशरूम चला। हाँ ये है अटूट जोड़, शेर पे सवा शेर। ये ले भैया, कमा का घूमना काट दी भैया मशरूम की नाक और चिपकू पहुंच गया तालाब के पास जियो कबूतर। अगले खिलाड़ी ने मशरूम पकड़ा, ये तो चिट्टी की तरह नीचे किस और ये आया ग्रिप लिया, लेकिन पहले से ही ग्रिप ढीला होना शुरू हुआ। लेकिन क्या ये ग्रिप बरकरार रख पाएंगे, लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है। और अरे रे रे रे, जजमेंट की गलती, 12 इंच की गलती और दांत तुड़ा के खड़ी। सुस अगला पंटर मशरूम से लिपटा और ये पकड़ कुछ मजबूत लग रही है। मशरूम ने घूमना शुरू किया मगर पंटर झोंक की तरह चिपका हुआ है, पैर फिसल रहे हैं पर पंटर अम्मा को नहीं छोड़ रहा। एक हाथ छूटा मगर भैया नहीं रूठा। अरे बाप रे, किस्मत ने पकड़ी टांग और फेंक दिया अगले राउंड में। क्या बात, कटर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। ब्रिज पर तारा 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 तारा, इसके तो बजेंगे बारा 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 बारा। चढ़ जा बेटा पुल के ऊपर, लाई करेंगे गार्ड्स। क्या बात, अबे गड़बड़ लग रही है। अरे भैया तो पुल छूकर ही निकल लिए। ओ आंटी, जवान हो गई हो मगर चल रही है ओ घुटने घुटने। चलो ठीक है, अब करो ये 3 पहाड़ पार। अरे भैया झूलते पुल पर ये पत्थर पार करना पहाड़ पार करने से कम नहीं। यहाँ शाही गार्ड्स इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए एक क्लोज अप टर्न, टर्न एक दूसरे से। अरे पड़ी सही जगह पर, पैर हो गया सुन और अब जाके घर का रास्ता चुन। अगले खिलाड़ी ने पहला पत्थर पार किया। ये सिकाई शुरू कर दी बाबा, ताक ताक को निशाना लगा रही, सुझा डालेंगे पोट्टे को भाई। दूसरा पत्थर पार कर लिया। अरे अगला कदम बड़ा को माटी मिले, बैलेंस बिगाड़ दिए, पोट्टा लटक गया मगर हिम्मत नहीं हारा भाई। पिटने का शौकीन लग रहे, ऊपर आको फिर पलटी खाया पर पुल नहीं छोड़ा। कौआ खाया लग रहा, वोट दी गए फिर पलटी, नकोरे बाबा भार ले गए ऐसी बहादुरी। और अब बुआ जी पहुंची हैं पहले पत्थर के करीब, पत्थर से दोस्ती कर रही है। ए पत्थर, नाइस पत्थर, नो नो पत्थर, ओके। अरे अच्छा खासा निशाना दे दिया है गार्ड्स को। ओपन इनविटेशन ले भैया, वेल मुझे मार, कैमरा मैन भी खूब जूम कर रहा है। और ये पहला पत्थर पार कर लिया बुआ जी ने और अब ये कटिंग हो गई एडिटर की और तीसरा भी पार हो गया। एनीवे घुटनों घुटनों आगे बढ़ रही है संभल संभल के और ये खड़े रहने की हिम्मत की और ये भागी और संतुलन खोया मगर पकड़े रहा बैलेंस और घुटनों पे आ गई। खूब वार हो रहे हैं लेकिन ये चली जा रही है और ये पंछी पार। और एडिटर जूते मारूंगा तुझे मैं। आए आते ही सटके फिर लटके। देखिए आपको मेरा एक नेक मशवरा है कि मेहनत करके आगे जाकर सुताई होने के बाद गिरने से अच्छा है कि यही कूद जाइए। नहीं मानो कैसा रेंग रे के फड़फड़ा फड़फड़ा के कूद रहा है जा रहा है, कोई फायदा नहीं भाई, दम ही नहीं तेरे हाथों में, भाग यहां से। मेरे क्लिफ हैंगर की तरह लटके हुए हैं। बिल्कुल क्लिफ को छोड़िए, सिर्फ हैंगर लग रहा है, इस पे कपड़े टंगे। चल भैया टाटा। और देखते हैं कौन सी तुड़वाती है अपनी हड्डी। और ये नीचे बैठा है कुबड़ा कमांडर खेलने कबड्डी और ये लंबा शॉट एडिटर दिखा रहा है। लगता है सगाई का निमंत्रण देने वाला है, लड़की को पसंद आ गई है उसको। अरे बाप रे, बड़ी सॉलिड ओपन। और ये गई नीचे और ये लटकन और फिर पैरों की झटकन, पैर झटकने से ऊपर थोड़ी जाओगी भाई। मैडम कोशिश अच्छी है, ताकत तो है भाई, लग रही थी सूखी मगर ये तो बन रही है चंद्रमुखी। और ये ऊपर कुछ चांसेस हैं ऊपर आने के, कम ऑन बेबी यू कैन डू इट, कैन यू डू इट, आई डोंट थिंक सो। टाटा।
और हॉर्स पावर का पावर देखिए जे जे के रापची रिप्ले में। ये फटका तो था एक, लेकिन 100 के बराबर था। अगर हेलमेट नहीं होता तो सर सामने झाड़ों पे लटका होता। चलो भैया तू तो निकल ले, और हम निकलते हैं एक फ्लैशबैक की तरफ। कुछ डूबे खाकर चक्कर, कुछ दे रहे थे टक्कर, कोई लड़क के नीचे आया, कोई गंदे नाले में नहाया, कोई हवा में खा गया पलटी, कोई फ्रैक्चर पा गया मल्टी। ये पागलों का है टाउन, और अब देखिए फाइनल शोडाउन। क्या राइमिंग है, वाह। आज जनरल के पास 5 विजय योद्धा, चलो और सब टैंक्स की तरफ दौड़ पड़े। क्या आज कोई विजेता होगा? हमला! जनरल के हुक्म के साथ हमला शुरू हुआ। आज कमांडर के टैंक ने सीधे बढ़कर हमला किया, रणनीति बदल दी है। खिलाड़ी अलग अलग जगह बटे हुए हैं, और अकेले प्रतिद्वंदी को हराना बहुत आसान होता है। गार्ड्स की गन्स की लंबी धार रिंग्स को ढूंढ रही है, और इस कौवे का रिंग तो साफ। ये गधा कोना पकड़ के खड़ा है, और इसका रिंग भी गया। जाई गार्ड्स का घेरा जारी है। ये एक और फटा हुआ रिंग। गार्ड किसी एक खिलाड़ी को उलझाते हैं, और दूसरा गार्ड दूर से रिंग को निशाना बनाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये इनका रिंग भी गीला हो गया है, फटा नहीं, फटने जा ही रहा है। और ये घेरा कर रहे हैं जवान को, डटा हुआ है, जो बड़ी बहादुरी से अपनी रणनीति सोच रहा है। ये गार्ड चारों तरफ से घेर रहे हैं, ये ढूंढ रहा है कि और ये कमांडर का टैंक, और इससे कमांडर के टैंक को फाड़ा, और कमांडर के टैंक ने इसको फाड़ा। टाइमिंग की बात है, थर्ड अंपायर का फैसला, और फाइनली एक विजेता। और परंपरा के मुताबिक अब जनरल ली के हाथ होना चाहिए टकेशी कासल, लेकिन ये तो कोई नहीं जानता क्या होगा इस गेम में, क्या होता है वैसे भी कोई नहीं जानता क्या होता है। टाइम पास होता ना तुम लोग का, ठीक है, आओ देखो टाइम पास करो, क्वेश्चन मत करा करो ज्यादा, है ठीक है ना। देखो टाटा सायोनारा।